आज मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह Realme Narzo 50i मोबाइल में किस तरह कॉल फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। अगर आप कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले फ़ोन इस पर क्लिक करना है, ये जो डायलर है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको टॉप में कॉर्नर में 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको सेटिंग्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे दिखाई देगा कॉलिंग अकाउंट्स, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ से सिम कार्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मेरे इसमें एक ही सिम है तो मैं सिम 1 सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कॉल फॉरवर्डिंग, तो आपको कॉल फॉरवर्डिंग पर क्लिक करना है। वॉइस कॉल फॉरवर्ड, इस पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड आपको वेट करना है। आपको अभी कुछ नहीं करना है, ऐसे ही वेट करना है सिर्फ। फिर आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा कॉल फॉरवर्डिंग सेटिंग्स सिम 1। सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा ऑलवेज फॉरवर्ड, ये ऑफ है, मुझे इसे ऑन करना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर ये समझा देता हूँ कि इससे क्या होगा। कॉल फॉरवर्डिंग ऑलवेज फॉरवर्ड ऑन करने से ये होगा कि आपके नंबर पे के सारे कॉल इस नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएंगे जो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ कि मेरे पास एक पुराना नंबर था, मैं चाहता हूँ कि उस नंबर पे के सारे कॉल हमेशा इस नंबर पे फॉरवर्ड हो जाए। मैं अपना नया नंबर इंटर करता हूँ एग्जांपल के लिए 9876। जैसे ये मेरा नया नंबर है, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस नए नंबर पे सारे कॉल फॉरवर्ड हो जाए। अगर कोई भी मुझे मेरे पुराने नंबर पे कॉल करता है तो वो कॉल इस नंबर पे फॉरवर्ड हो जाए, ये मेरा नया नंबर है। तो आपको यहाँ पर नंबर इंटर कर लेना है और फिर टर्न ऑन पर क्लिक कर देना है। फिर इससे ये होगा कि आपके पुराने नंबर पे जब भी कोई कॉल करेगा हमेशा तो वो इस नंबर पे फॉरवर्ड हो जाएगा, यानी कि इस नंबर पे आपको कॉल आ जाएगा, सिर्फ आपको टर्न ऑन पर क्लिक करना पड़ेगा।